फाइल हटाइए भैया। देखते हैं किसी पासवानदा मुसलमान का नहीं, किसी आवाम मुसलमान का नहीं, किसी गरीब मुसलमान का। आलम साहब बेदारी कारवा चलाते हैं तो नजरे आलम साहब को उनसे तुलना कैसे किया जाएगा? नजरे आलम साहब हमेशा जो है वो डिस्पेक्टिक ब्रेन चलाते हैं और लोगों को मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। राजनीति बहुत कुछ करा सकती है और चंद सेकंड में बहुत कुछ हो सकती है राजनीति में। राजनीति की इतिहास अपने आप ही बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। हम आए दिनों देखते हैं राजनीति में किस तरह से उतार चढ़ाव उठा पटक होती है। बिहार में भी कुछ घंटे पहले इसी तरह से उठा पटक हुई, लेकिन बात करेंगे उससे पहले कुछ पुराने चीजों को लेकर के। हमारे साथ आज मौजूद है वही शख्स, नाम है मोहम्मद कलाम, जो राजद के कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में कुछ समय पहले तकरीबन 400 राजद के पुराने कार्यकर्ताओं को लालू यादव ने वापस बुलाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सख्त जरूरत है, राजद को पुराने ही कार्यकर्ता नए तरीके से चला सकते हैं। बात करेंगे कुछ दिनों पहले बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम शहाबुद्दीन साहब के घर सिवान जाते हैं और वहां उनकी बेगम हिना साहब से मिलते हैं और वो कई आरोप लगाते हैं आरजेडी पे। सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि आरजेडी ने उनके साथ छल किया है जब उनकी राजनीतिक हत्या हुई थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और ख़ास बात करेंगे कि क्या यहाँ पर भी बिहार में मानसून है, ठंडा है, लेकिन राजनीति काफ़ी गर्म है। और जो ओवैसी की पार्टी से चार विधायक आए उसको भी लेकर के कलाम साहब से फिर से बात कर लेते हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो वर्ष हो गए लोग कोरोना काल के, आप ही के पार्टी डॉक्टर शहाबुद्दीन पूर्व एमपी सिवान के बेदारी कारवां के जिला अध्यक्ष नजरे आलम पहुंचते हैं तलवार के साथ एक दर्जन गाड़ी लेकर। मधुबनी के भी कई लोग थे, गेट बंद होकर के बातचीत होती, अचानक निकलते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं जब उनकी राजनीतिक हत्या हो, जब वो आरजेडी के एमपी थे तो राजद ने क्यों उनके साथ छलते, क्यों उनके साथ खड़ा, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो है वो फाउंडर लीडर थे, जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी थे उसी तरह एक पार्ट शहाबुद्दीन साहब भी थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर में आरएसएस और भाजपा का एक साजिश चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को मुसलमानों से कैसे अलग करें, उसको लेकर के भाजपा माइंडेड जो मुसलमान लीडर है उसको आगे करके राष्ट्रीय जनता दल से दूर करना चाहता भाजपा, जिसका मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता है। बात रह गई नजरे आलम साहब का, तो जब भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, नजरे आलम साहब हमेशा मुसलमानों को निगेटिव बात बता करके आरएसएस और बीजेपी में वोट करने के लिए बताते रहते हैं। यानी दूसरा ओवैसी आप कहना चाहेंगे बिहार में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो बिहार में, जो कि गरीबों का सरकार बनते बनते नहीं बनने दिया, जो कि पूरे देश और दुनिया में मुसलमान भी समझ रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा का एजेंट ओवैसी साहब है, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के आन बयान देने से खास करके बिहार में मुसलमानों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान पूरा का पूरा 100% राष्ट्रीय जनता दल में आस्था अपना व्यक्त करते हैं और अपना समर्थन दिए हुए हैं। आप कल का ही घटना देख लीजिए, कल चार चार मुसलमान विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कल विधानसभा एक साथ गए हैं, पार्टी का सदस्यता लिए हैं, लालू प्रसाद यादव जी से मिले हैं। तो आज भी मुसलमान जो है एकदम पूर्ण रूपेण सेकुलर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में अपना आस्था व्यक्त करती है। नजरे आलम के साथ हिना साहब का बंद कमरे में एक राजनीतिक बैठक, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हिना साहब अभी न्यूट्रल है, जैसा उन्होंने कहा कि अभी मैं न्यूट्रल हूँ, क्या करना है नहीं करना अभी नहीं, बड़ों लोग के साथ बैठ के करूँगा। सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि वो बिहार का दौरा करें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल
उनके शौहर जनाब मरहूम शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ पार्टी था, वह अपने नेतृत्व में 25-50 एमएलए हमेशा जिताने का काम करते थे और सरकार बनाने का क्षमता रखते थे। तो पूरा बिहार उनका है, पूरे बिहार में मुसलमान शहाबुद्दीन साहब को लीडर मान रहे थे और उनकी मैडम है, तो वो पूरा बिहार पार्टी के लिए घूम ही सकते हैं, काम कर ही सकते हैं। लेकिन ये लोग जो बेतुका बयान देते हैं, जो अपने निजी स्वार्थ में, चाहे वो बिहार के किसी भी पार्टी का मुसलमान लीडर हो, वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, किसी पासमानदा मुसलमान का नहीं, किसी अवाम मुसलमान का नहीं, किसी गरीब मुसलमान का नहीं, वो सिर्फ अपने बाल बच्चा अपने परिवार को कैसे सेटल करे। वाहिद लीडर मरहूम गुलाम सरवर साहब थे, जो वो मुसलमानों की बात को मजबूती से रखते थे और उस जमाने में मुसलमानों का विकास हुआ करता था। आज भी जितने भी लीडर हैं मुसलमान, वो सारे लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल को कितना भी ये लोग तोड़ना चाहेंगे, किसी भी परिस्थिति में मुसलमान जो है हिलने वाले नहीं है। मुसलमान समझ रहे हैं कि हमारा सेकुलर पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है और लालू यादव ने मुसलमानों को इज्जत दिया है। क्या समाजवादी पार्टी को हराने में, जब ओबीसी ने जो वहाँ पर अपनी पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और वहाँ एक भी सीट नहीं जाना, क्या इसका असर उनको लगा तभी वो चारों विधायक आपके पार्टी में ज्वाइन हुए? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को लग रहा है कि ये ओवैसी साहब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ तो मुसलमान उनसे अलग होगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में पूरा दुनिया देखा है कि यूपी का चुनाव इस तरह से ज्यादा बहुत कम उस सीट को डैमेज किया गया, जो कि 1,000-2,500 वोट का भी अंतर है। इसी वजह से जो है आक्रोशित होकर के, और ये चारों मुसलमान जो एमएलए थे वो समझ रहे हैं कि सेकुलर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल में अपना समर्थन। इनमें से दो विधायक ऐसे भी 2005-11 में आपके टिकट से चुनाव भी लड़े। आपको मैं क्या बताया, राष्ट्रीय जनता दल पहले लालू यादव जी के जमाने में MY समीकरण कहलाते थे, आज तेजस्वी यादव जी के जमाने में A to Z की पार्टी कहला रही है। तो मुसलमान अपना आस्था व्यक्त राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। जो राजद के कार्यकर्ता थे, विधायक थे, MP थे, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी भी बना ली, क्या वो लग रहा है कि अब राजद को मजबूत करने के लिए वो सभी वापस आएंगे, जैसे अभी चारों विधायक भी आए? देखिए, मैं तो गुजारिश करूंगा पूरे बिहार का जितने भी सेकुलर पार्टी वाले हैं, वो सभी लोग मिल करके आने वाले लोकसभा चुनाव में जो फिरका पार्टी है भाजपा, जो जिसको देश में भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, हर जगह पे वो उन्माद फैला करके हिंदू मुसलमान करके जीतने का काम करते हैं और गलत तरीके से जीतते हैं, उसको रोकने के लिए आज देश का हालात आप देख लीजिए, GDP का क्या हालात है, देश में आपको डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पार किया है, लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पे घूम रहे हैं। यही 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते पे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज उसका उल्टा है, अच्छे दिन आएंगे। बिहार का युवा, बिहार का नौजवान, बिहार का आवाम उनसे मांग रहा है कि नहीं, हमारे अच्छे दिन नहीं, हमारे पुराने दिन ही वापस कर दो। ये हालात बना हुआ है, गरीब भूखा मर रहा है, महंगाई चरम सीमा पार है। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, भारत में BJP की भी पार्टी ओबीसी कहलाती है, नजे आलम साहब ने जो आज किया दो दिन पहले, क्या आप उनको ओबीसी से तुलना करिएगा? देखिए, ओबीसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना वो चलाते हैं वो अपने राज्य में, और नजरे आलम साहब बेदारी कारवा चलाते हैं, तो नजरे आलम साहब को उनसे तुलना कैसे किया जाएगा? नजरे आलम साहब हमेशा जो है वो डिस्पेक्टिक ब्रेन चलाते हैं और लोगों को, मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। हमको एक भी उनका दिखा दीजिए कोई काम, जो पासवानदा मुसलमान हो, समान मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, किसके लिए वो कौन सी काम कर दिए हैं जिससे मुसलमान उनके कहने पे इधर से उधर वोट डाल सकते हैं, और हिना साहब को वो बदनाम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप गए कटसी में मुलाकात करने के लिए, अच्छी बात है, आप मुसलमान हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हिना साहब को, आपके कहने से हिना साहब
पार्टी में इधर से उधर कर देंगे और बिहार का दौरा कर देंगे, यह ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद कलाम, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, चार विधायक ओबीसी पार्टी के, ऑलरेडी वो दो विधायक आरजेडी के थे, 2005-11 में चुनाव लड़े थे, वो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी चुनाव का ये असर भी है, एक भी सीट नहीं जीते, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ ओबीसी के चुनाव लड़ने से, 90 सीटों पे, तकरीबन 100 सीटों पे वो 100 वोट से भी कम जगह से हारे हैं। लेकिन बैर का बात करेंगे बिहार की राजनीति में, काफ़ी सरगर्मी है, फिर से राजद पूरे बिहार में नंबर एक की पार्टी हो गई है, दूसरी बीजेपी होगी और तीसरी जेडीयू होगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में काफ़ी उठा पटक चली है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी देखने को मिल सकता है, तो बिहार में किधर से देखने को मिलेगा, बीजेपी से हटेंगे कोई विधायक या जेडीयू से हट करके बीजेपी विधायक? क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पूर्वांचल में कितने जनता दल यूनाइटेड के विधायक बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ दिखती है कि राजनीतिक में कभी भी किसी भी वक्त भी नया इतिहास बन सकता है या पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। अब देखना होगा कि लेडी आयरन पूर्व एमपी साहबुद्दीन की वाइफ हिना साहिब अब क्या करती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल है, बिहार का दौरा करेंगे, उसके बाद एक बड़ी राजनीतिक फैसला करेंगे, तो उसके बाद वो अपनी राजनीतिक करियर को किधर लेके जाएंगे। बने रहे दरभंगा समाचार के साथ।